हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सी टिप्स, ब्यूटी टिप्स और एक अमेजिंग सी पैक जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। आपको थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, ये पैक आपके चेहरे के लिए धमाल कर देने वाला है। सो गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, आज मैंने अभी लिया है, बस एक छोटा सा पैक ट्राई करने के लिए आप लोगों को मैंने लिया है। इससे पहले मैंने इसका ऑनेस्ट रिव्यू कर रखा है चैनल पे, कार्ड्स में यहाँ पर डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ एवरी वूथ का ये नेचुरल एडवांस्ड गोल्डन ग्लो फील ऑफ मास्क लिया है। ये जस्ट 15 रुपीज़ का है। एंड गाइस, आप भी इसको लेके ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ, ये आपकी स्किन को एज अ मैजिकल रिजल्ट देने वाला है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आप मुझे थैंक यू और थैंक यू बोलने जरूर आएंगे कमेंट में। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मुझे कमेंट नहीं बोलिएगा। और वीडियो फुल देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो नहीं समझ आने वाला। एक भी छोटा सा अगर आप मिस कर दीजिएगा ना, तो आपको वो प्रॉफिट एंड स्किन पे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो मैजिकल एक्सपीरियंस आने वाला, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। और इसको यूज़ करने के बाद, मेरी और रिव्यू देखने के बाद, मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली बहुत खुश हैं, मुझे ऑलवेज थैंक यू बोलते हैं। तो उसको भी आप देख के कमेंट चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे हेटर्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ, वो तो अच्छे लोगों की भी वीडियो पे जाके कमेंट पे मतलब बैड कमेंट करके आते हैं, तो वैसे हेटर्स की मैं बात भी नहीं करती। मैं वैसे प्यारे प्यारे अपने सब्सक्राइबर का बात करती हूँ। सॉरी, मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया। चलिए मैं नहीं बताती थी, एवरीवुथ के बारे में तो सभी जानते हैं, ये पील ऑफ मास्क है। जो लोग पील ऑफ मास्क नहीं समझते हैं, यानी मैं अपने वो भोले भाले व्यूअर्स को भी बता रही हूँ जो बेचारे पील को भी नहीं समझ पाते हैं, पील ऑफ मास्क को, यानी ये वो ऐसा मास्क है कि अभी ये लिक्विड ही होगा, बट इसको अप्लाई करने के बाद, सूख जाने के बाद, आपको एज अ रबर टाइप आपको निकालना पड़ता है, पील करके निकालना पड़ता है, यानी खींच कर निकालना पड़ता है, बहुत सावधानी के साथ। तो मैं उस व्यूअर्स को अपने समझा रही हूँ। सो गाइस, तो ये वाला आपको चाहिए होगा, आप ट्राई करने के लिए ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्यूब पैक है 65 वाला, तो वो भी ले सकते हैं। इसके चाहिए लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है मैंने एक पोटैटोस, उसको मैंने पहले ही पील कर लिया। अब मैं इसे करूँगी कद्दूकस, और कद्दूकस करने के बाद इसका एक पोटैटो से इतना सारा निकला है ये कद्दूकस करके। अब मैं इसका सारा जूस अच्छे से दबा दबा कर स्पून के हेल्प से निकाल लूँगी। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी सारा जूस निकाल लें इसी तरह से। और ये ऑलमोस्ट वो 2 टाइम का ये जूस निकल जाता है। आप इसको बाद में इसका पैक भी लगा सकते हैं, मेरे चैनल पे पोटैटो के जूस से किस तरह से लगाया जाता है वो चैनल पे अपलोड है। सो गाइस, इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, उसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट है नहीं। मैं इसकी जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो लूँगी, जिसमें एग्जैक्टली पोटैटो का स्टार्च होता है, वो हमारे स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करती है। हमारे स्किन पर सारा दाग धब्बा हटा देती है, और स्किन एकदम इक्वल हो जाती है, स्मूथ शाइनी दिखने लगेगी। ट्रस्ट में, आप एक बार करके तो देखो, उसके बाद ये मैजिकल मास्क आप हमेशा यूज़ करोगे। सो गाइस, इस तरह से मैंने जितना निकला, मैंने क्वांटिटी दिखा दी 1 टीस्पून, और थोड़ा सा और ज़्यादा निकला था, देखिए इस तरह से मैंने यहीं पे करा, और उसको अच्छे से पहले मैंने पूरा गार के निकाल दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा एकदम पिंच ऑफ टर्मेरिक, इससे क्या होता है कि स्किन पे एक अच्छा सा कलर आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे तो लिटिल बिट डाला है, जितना मैंने डाला बस उतना ही आपको डालना है। अगर स्किन हल्दी सूट नहीं करती है तब इसको स्किप कर दीजिएगा। सो गाइस, इस तरह से अच्छे से मिक्स करके एक रनी कंसिस्टेंसी बना लीजिएगा, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे फेस पे। सो फ्रेंड्स, ये गजब की रेमेडीज बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको अपने फेस पे आपके सामने अप्लाई करूंगी, और थोड़ा सा थिक लेयर लगाइएगा, और आंखों के ज़्यादा करीब मत लगाइएगा, क्योंकि वो वहाँ पे पील करने में नुकसान होता है। और ये अच्छे से हेयर को ही करिएगा, और स्किन को अच्छे से वॉश करिएगा, कोई तरह का मेकअप नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरह से अप्लाई कर लिया है, और मैंने एक थिक लेयर लगाया हुआ है। अब इसको मैं सूखने दूंगी, उसके बाद ये रेमेडीज हमारे स्किन के लिए ऐसा मैजिकल काम करती है ना, जब इसको पील कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कैसा रिजल्ट होता है। इसके लगा था ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था, बोलिए। सो फ्रेंड, ये मैजिकल जो मास्क है ना, ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब मैं इसको करूँगी पील, इस तरह से धीरे धीरे आपको भी पील करना है। और तो वैसे इसको अच्छी तरह से आप धीरे धीरे पील कीजिएगा, याद कि रखिएगा पील करते वक्त थोड़ा सा ये खींचेगा, आपको थोड़ी सी लग सकती है, बट आराम से खींचिएगा। अगर ज़्यादा तकलीफ हो
तो आप आराम से वॉश को मतलब वॉश ऑफ कर लीजिएगा, वाटर वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। बट पील करने से क्या होता है ना कि सारा डस्ट कचड़ा जो स्किन पे होता है, दाग और छोटे छोटे जो बेबी हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, तो इसलिए कोशिश ज़्यादा करें पील ही करने की। वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।